हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप क्लास 11th में साइंस ग्रुप से पढ़ना चाहते हैं और साइंस स्ट्रीम में भी आप मैथ ग्रुप से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट ने यह कमेंट किया था कि सर हमको बताइए कि हमको क्लास 11th में साइंस ग्रुप में मैथ्स ग्रुप से पढ़ाई करनी है तो हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि अगर आप साइंस स्ट्रीम में मैथ ग्रुप से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट आपके होते हैं, पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप साइंस स्ट्रीम से मैथ साइड से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आप जो है कि 11th में साइंस स्ट्रीम चुनना चाहते हैं और साइंस स्ट्रीम में भी मैथ्स ग्रुप से आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब आप क्लास 11th में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप क्लास 10th में होते हैं तो वहाँ पर आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन फ्रेंड जब आप 11th में पहुँचते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मैथ्स ग्रुप में वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पहला सब्जेक्ट की बात करें तो आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैथ्स ग्रुप से पढ़ेंगे तब भी आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा आपको रसायन विज्ञान पढ़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी पड़ती है। तीसरे सब्जेक्ट के तौर पर आपको गणित पढ़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको गणित की पढ़ाई करनी पड़ती है। चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो चौथे सब्जेक्ट में आपका अंग्रेजी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ता है अगर आप मैथ्स ग्रुप से पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैथ्स ग्रुप लिए हैं साइंस स्ट्रीम से तो आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यह 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि अगर आप साइंस स्ट्रीम में मैथ्स ग्रुप चुनते हैं तो यह 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम में मैथ्स ग्रुप चुनते हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।